नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है फंडा लो ओपन सेम का। इसके साथ साथ जब मार्केट में लो और ओपन सेम होते हैं उसके बाद बाजार में क्या होता है। जैसे कि आपने आज देखा कि निफ्टी आज 200 पॉइंट की गिरावट के साथ खुला और वो पूरा का पूरा बाद में रिकवर हो गया। उसका रीजन भी क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में आज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा और वो स्ट्रेटेजी जब भी आप आगे अपने ट्रेडिंग में यूज करेंगे, टेक्निकल चार्ट में यूज करेंगे, तो वो जो स्ट्रेटेजी है दोस्तों पूरी तरीके से प्रॉफिटेबल रहेगी। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो आगे मैं अपलोड करूंगा तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले लेके जाऊंगा आपको मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। मेरे दो चैनल है, एक पब्लिक चैनल है, दूसरा प्राइवेट चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे लेके जाता हूं। टेलीग्राम चैनल पे ही हम दोस्तों समझेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम सारी चीजें पोस्ट करते हैं। तो मैं आपको अपने चैनल दिखा देता हूं। मेरा एक तो चैनल ये है जो कि एक पब्लिक चैनल है। मैं यहां पे मॉर्निंग में ही आज मैसेज कर दिया था कि मार्केट में आज अपनी ट्रेडिंग अवॉइड करिए। और दूसरा चैनल मेरा ये है जो कि मेरा प्राइवेट चैनल है, उसमें आज मैंने मॉर्निंग में ही मैसेज कर दिया था कि मार्केट का ओपन लो पूरी तरीके से सेम है, यानी कि मोस्टली स्टॉक में इवन निफ्टी में भी आज मार्केट में ओपन और लो सेम था। उसका रीजन दोस्तों आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरे को बहुत सारी कॉल्स आई, बहुत सारे मैसेजेस आए, सर इस मैसेज का मतलब हम नहीं समझे, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों मैंने सोचा चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूं और वीडियो में ही आपको बताता हूं कि जब मार्केट में लो और ओपन सेम होता है तो उसके बाद बाजार में क्या होता है। तो अब यहां पे मैं आपको पहले बता देता हूं कि जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में पहले बता दिया था कि निफ्टी में गिरावट आएगी और निफ्टी की गिरावट के बाद मैंने आपको टारगेट 9600 का दिया था। तो आज हमारा टारगेट अचीव हो चुका है 9600 का। निफ्टी का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है। अब देखते हैं मंडे को कि मंडे को मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसके बाद मैं आपको कुछ नया टारगेट दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं कि आज मार्केट में मॉर्निंग में क्या देखने को मिला और ऑपरेटर किस तरीके से ओपन लो जब सेम होता है तो ऑपरेटर वहां पे किस तरीके से काम करता है। पहले मैं दोस्तों आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। निफ्टी के चार्ट पे हम समझेंगे। तो निफ्टी के चार्ट में हमने देखा कि बाजार में जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि मार्केट कल यहां पे क्लोज हुआ था और क्लोज होने के बाद आज गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। आज गैप डाउन दोस्तों निफ्टी में ओपनिंग हुई थी। बाजार इतनी तेजी से नीचे गिरा था बट रीजन क्या था कि बाजार पूरी तरीके से रिकवर हो गया। तो यहां पे दोस्तों हम देखते हैं कि निफ्टी ने जैसे ही ओपनिंग करी थी तो यहां पे मैं दिखाता हूं दोस्तों कि निफ्टी का जो लो था, ये मैं आपको दोस्तों स्पॉट मार्केट भी दिखाता हूं। तो यहां पे लिखा हुआ है कि निफ्टी का जो लो है वो 9561 का था। अब दोस्तों ये जो लो आपको देखना है वो आपको अपने ऑडियंस सॉफ्टवेयर का लो नहीं देखना, क्योंकि वहां पे होता क्या है कि वो प्री ओपनिंग मार्केट का लो ले लेता है। आपको अपने चार्ट पे चेक करना है। तो आज निफ्टी का जो लो बना था वो था 9561.95 का, ये निफ्टी का लो था। और ओपनिंग प्राइस क्या था दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे तो ओपनिंग प्राइस भी निफ्टी का बिल्कुल एग्जैक्ट सेम था, 5 पैसे का भी फर्क नहीं था। तो यहां पे हम देखेंगे कि ओपनिंग इसकी जो निफ्टी की थी वो 9561.95 की थी। तो हमने देखा कि मार्केट में लो और ओपन पूरी तरीके से क्या है, सेम है। जब लो और ओपन मार्केट में सेम होते हैं और वो भी गैप के बाद, और जैसी रिकवरी आ रही होती है तो उसमें क्या होता है कि ऑपरेटर वहां पे माल ज्यादातर उठाता है। अब इसका रीजन क्या है इसको मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहां पे मैं बोर्ड पे लेके जाता हूं और यहां पे आपको समझाता हूं। तो यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे देखेंगे कि जैसे बाजार चल रहा है और बाजार चलने के बाद क्या हुआ कि यहां पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, ये गैप बना, यहां पे ओपनिंग हुई। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब गैप डाउन ओपनिंग होती है और जब बाजार रिकवरी करने लग जाता है, यानी कि जब गैप डाउन ओपनिंग के बाद बाजार रिकवरी करने लग जाता है, तो यहां पे इस केस में होता क्या है कि जितने भी बायर थे यहां पे अपनी पोजीशन बाय करके राइड कर रहे थे, वो यहां पे क्या कर जाते हैं, अपनी पोजीशन लॉस में एग्जिट कर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आपके सामने भी हुआ होगा कि आपने कोई पोजीशन बनाई और पोजीशन बनाने के बाद आपकी पोजीशन बिल्कुल आपके फेवर में नहीं गई, बिल्कुल अपोजिट गई और वहां पे आपको मोटा लॉस होने लगा, बड़ा वाला लॉस होने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर हमने 200 रुपए पे स्टॉक खरीदा, अगले दिन वो खुला 190 पे, तो वहां पर पैनिक हो जाते हैं। तो पैनिक होकर क्या करते हैं, अपनी पोजीशन काट देते हैं। आप नहीं काटते तो आपका ब्रोकर काट देता आपकी पोजीशन। तो वहां पे क्या होता है कि जब लोगों की पोजीशनें कटती हैं तो वहां पे जो स्मार्ट आदमी है यहां पे बाइंग करना स्टार्ट कर देता है। अब जब बायर था, जो बायर कौन था, वो बायर रिटेलर नहीं था। अगर आप सोचें कि हम जैसे लोग बाइंग कर रहे हैं, नहीं, हम जैसे लोग वहां बाइंग नहीं करते, हम जैसे लोग वहां पे सिर्फ वेट एंड वॉच करते हैं,
जो माल खरीदने वाला होता है वो ऑपरेटर होता है, और वो जो ट्रेडिंग होती है दोस्तों वो मैनुअल ट्रेडिंग नहीं होती। हम जो लोग ट्रेडिंग करते हैं वो क्या होती है, वो मैनुअल ट्रेडिंग होती है। जो ऑपरेटर की ट्रेडिंग होती है वो एल्गो ट्रेडिंग होती है, वो सॉफ्टवेयर जैसे उनके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं उनके हिसाब से वो बाइंग या सेलिंग करते हैं। तो जैसे ही मार्केट में ओपनिंग हुई उन्होंने माल उठाना स्टार्ट करा, और उन्होंने जब बाइंग करनी स्टार्ट करी तो इतनी क्वांटिटी में बाइंग थी कि ये जो कैंडल थी वो पूरी की पूरी जो ये पूरा गैप था उसको रिकवर कर दिया। इस चीज को ध्यान से समझेगा, गैप को रिकवर कर दिया। मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा समझाता हूं। जैसे आपने देखा कि यहां पे गैप बना, गैप के बाद क्या हुआ, लो ओपन सेम था, और लो ओपन सेम के बाद जैसे ही मार्केट में तेजी पकड़ी इसका मतलब क्या था, यहां पे ऑपरेटर्स जो थे, जो स्मार्ट आदमी है, उन्होंने माल उठाना स्टार्ट कर दिया। और जब उन्होंने माल उठाना स्टार्ट करा तो ये जो गैप था पूरी तरीके से फिल हो गया। तो वही हम देखेंगे कि ओपन और लो जो था मार्केट का वो पूरी तरीके से क्या था, यहां पे देखेंगे सेम था। तो हमने देखा कि निफ्टी में भी लो ओपन सेम है, इसके साथ साथ हमने दूसरे स्टॉक्स में जब चेक करा तो यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको रिलायंस का चार्ट, तो रिलायंस में भी देखेंगे कि रिलायंस में भी ओपन और लो सेम था। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए आप, यहाँ पे रिलायंस का चार्ट है, तो रिलायंस भी गैप डाउन ओपन हुआ था और ओपन और लो इसका भी सेम था। तो ऐसे ही कई स्टॉक्स अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो सब में क्या था, लो और ओपन सेम था ज्यादातर। मैं आपको अगर मैं आपको बोल के चलूं तो दोस्तों 50-70% स्टॉक्स में ओपन और लो सेम थे, जो गैप डाउन ओपनिंग के बाद उनमें रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई। तो इस चीज को दोस्तों आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। अब इसके ऊपर भी एक स्ट्रेटेजी है, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। मैं पूरी तरीके से डिटेल्ड में तो नहीं बताऊंगा आपको, मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूंगा, क्योंकि डिटेल स्ट्रेटेजी मेरे ऑनलाइन कोर्स में है कि ओपन और लो और हाई और ओपन पे गैप के बाद किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। बट मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। यहां पे जैसे मैंने कोई भी स्टॉक यहां पे उठा लिया, यहां पे मैं देखा कि जैसे टाटा मोटर डीवीआर का स्टॉक है, टाटा मोटर डीवीआर में मैंने क्या करा, देखा कि लो और ओपन इसका क्या था, सेम था। मैं यहां पे बेसिक स्ट्रेटेजी बताता हूं, लो और ओपन सेम था, जैसे और लो ओपन सेम था इसमें और गैप के बाद, तो मैंने ही मॉर्निंग में ही क्या करा, अपनी पोजीशन यहां पे क्या करी, बाइंग में बना ली। और स्टॉप लॉस क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे मैं आपको फिर से बोर्ड पे लेके जाता हूं और बोर्ड भी ही आपको समझाता हूं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और यहां पे गैप डाउन ओपनिंग हो गई, अब ये ओपनिंग क्या थी, गैप के बाद थी। अब गैप के बाद ओपनिंग होने के बाद क्या हुआ, वो मार्केट में तेजी आनी स्टार्ट हो गई, और आपने देखा लो और ओपन क्या था, इसका सेम था। तो जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पे आप अपनी पोजीशन बाय में बना सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा इसके लो का, यानी कि जो लो बना था, एग्जांपल के तौर पे 210 का लो था, ओपन भी 210 पे था, 215 का रेट चल रहा है, तो 215 पे आपने बाय करके 210 का क्या ले लिया, आपने स्टॉप लॉस ले लिया। और जो टारगेट वगैरह है वो दोस्तों उसको राइट आपको एक अलग तरीके से करना है, उस पर आपको करना क्या होता है कि बाइंग करना है और पोजीशन आपको काटनी है 330 के आसपास, यानी कि जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है। तो इन केसेस में दोस्तों बहुत अच्छा पैसा मिलता है, और जब भी ये जो पैटर्न होते हैं, जब बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलते हैं, तब आप अपनी पोजीशन वहां पे बाइंग में बना सकते हैं। मैंने आज मॉर्निंग में मैसेज तो कर दिया था कि लोपन सेम है ज्यादातर स्टॉक्स में और निफ्टी में भी, बट बाइंग मैंने बताई नहीं, खुल के बाइंग नहीं बताया। उसका रीजन क्या होता है दोस्तों कि स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कई बार ऐसा होता है कि 215 की जगह आपको 220 पे बाइंग मिल रही है और स्टॉप लॉस आपका 210 का, तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता है, जो कि काफी बड़ा हो जाता है। तो अगर आपके अंदर रिस्क एपेटाइट है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन बाइंग में बना सकते हैं। तो लो ओपन का जो फंडा था वो मैंने क्लियर कर दिया। कई लोगों ने पूछा जी मैं समझ नहीं पा रहा लो ओपन सेम का क्या मतलब है, तो यहां पे मैंने दोस्तों आपको बेसिक तरीके से बता दिया। अगर आप एडवांस तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, जहां मैंने आपको एडवांस तरीके से गैप्स के बारे में बताया कि गैप्स किस तरीके से काम करते हैं, गैप किस तरीके से फिल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कुछ दिन पहले कि निफ्टी गिरेगा और निफ्टी 9600 का टारगेट है, वो मैंने कैसे बताया, वो गैप के अकॉर्डिंगली बताया कि गैप की वजह से 9600 का मैंने टारगेट दिया था। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे कि ये देखेंगे आप कि यहां पे इस जगह पे, यहां पे देखिए आप कि निफ्टी जब अप ट्रेंड में चल रहा था तो यहां पे गैप था, और मैंने बोल दिया था गैप फिल करने आएगा, बट मुझे कैसे पता ये वाला गैप फिल होगा, वो गैप फिल इसलिए होगा, इसकी भी पूरी एक स्ट्रेटेजी है। क्योंकि मैं 5-10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये पूरा तरीके से प्रोसेस होता है, पहले प्रोसेस को सीखना पड़ता है, उसमें से आपको खुद से स्ट्रेटेजी निकालनी पड़ती है। हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी अपने ऑनलाइन कोर्स में बताई भी है, बट उससे पहले आपको प्रोसेस सीखना पड़ता है। बट सबसे ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, वो ना स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं कि मुझे ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जिससे मैं पैसे कमा लूं। स्ट्रेटेजी वगैरह कुछ नहीं होती, सिर्फ एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस सीख लो, स्ट्रेटेजी खुद आप बना लोगे। तो हमेशा प्रोसेस मेकर बनो आप,
स्ट्रेटेजी जो होती है वो आप खुद प्रोसेस से निकाल सकते हो। तो वही मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स करते हैं जहाँ पे मैंने प्रोसेस बताया है जिसमें कैंडलस्टिक क्या होती है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होता है, गैप थ्योरी, एलिड वेव थ्योरी, डाओ थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन, ये सारी चीजें दोस्तों मैंने अपने आपको कोर्स में बताई हुई है। इसका चार्ज सिर्फ 8,000 रुपये है जो कि आपको वन टाइम देना और लाइफ टाइम के लिए कोर्स आपका रहेगा, जिसमें आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली मेरे से भी बात कर सकते हैं, आप मेरे से चैट कर सकते हैं। संडे के वेबिनार मैं करता हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको अपना पर्सनल टेलीग्राम चैनल भी देता हूँ, तो थोड़े से पैसे देके मैं आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहा हूँ। और इसके साथ साथ दोस्तों जो क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट है वीडियोज का वो बहुत अल्टीमेट है, और अगर आप बिगनर भी हैं तो बिगनर भी बहुत आसान तरीके से समझ सकता है। तो आपको करना कि आपको मेरी वेबसाइट पे जाना है www.chartanalysis.co.in, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए, आप वहां पे मेरा कोर्स परचेज करिए, वो वीडियो भी आप मेरी वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।